तो क्या हाल है गाइस, उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर बाइक के बारे में गाइस, कि कब आएगी इंडियन मार्केट में ये ब्यूटी, लेकिन अभी तक हाल फिलहाल कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही। आप लोगों का ये कहना है कि भाई CBR 150R कहाँ गई इंडियन मार्केट में, कब लॉन्च होगी, होंडा ये क्या कर रहा है, बहुत सारे ऐसे आप लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं। सो गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने वाले CBR 150R के ही बारे में, कि कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाएगी, क्या प्राइस होने वाला है, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है गाइस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बात करते हैं होंडा CBR 150R के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। सो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं होंडा CBR 150R के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि होंडा CBR 150R जो BS3 मॉडल आती थी उसके बाद से डिसकंटिन्यू कर दी गई, BS4 तक में इस बाइक को नहीं देखा गया। लेकिन गई जो CBR 250R है वो BS4 में आई थी, BS4 के बाद उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, यानी कि BS6 में उसे लॉन्च नहीं किया गया। और अभी अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट में, तो अगर आप देखेंगे 150cc से 300-400cc तक जाओगे तो यहाँ पे आपको होंडा में कोई भी अच्छी फेयरिंग बाइक अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग वेट तो कर रहे हैं कि कब लॉन्च होगी, बट फिलहाल कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ रही है होंडा की तरफ से। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, होंडा CBR 150R जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है। 250R भी, 250RR अवेलेबल है और 150R भी अवेलेबल है, लेकिन CBR 150R हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। दोस्तों इस डिपेंड करता है कि भाई कब लॉन्च होगी, क्या लॉन्च होगी, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों इसके जो स्पेसिफिकेशन है इंटरनेशनल मार्केट में, वो काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में आती है। इस बाइक में दोस्तों लगभग 149.16cc का इंजन मिलता है। इस बाइक में दोस्तों लगभग 17.1 का PS पावर देखने को मिलता है, 14.4 का इंटरमीटेंट टॉर्क है। इस बाइक में आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल जाएगा। अगर ये सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में इंडियन मार्केट में 2 लाख रुपीज के आसपास भी अगर लॉन्च होगी तो भी लोग इस बाइक को पसंद करेंगे, इस बाइक को खरीदेंगे। लेकिन यही तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि कब लॉन्च होगी और कब तक लॉन्च हो सकती है। इस बाइक में दोस्तों स्लीपर क्लच भी आते हैं, 6-स्पीड गियरबॉक्स बाइक में देखे जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाइक का जो डिज़ाइन है गाइस वो डुअल LED लाइट के साथ में आता है, जो कि काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है और इसकी लाइट भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, दिखने में काफ़ी अच्छी भी लगती है। DRR लाइट भी आपको बाइक में मिल जाती है गाइस। सेम लुक के साथ में इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। दोस्तों इस बाइक में लगभग 40-45 के आसपास के अराउंड आपको माइलेज मिल जाता है, प्लस बाइक की जो टॉप स्पीड है गाइस वो लगभग 135-140 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड इस बाइक को देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बाइक में डुअल चैनल EBS आते हैं, फ्रंट में 276mm की प्लेट आती है, रियर में 220mm की प्लेट आती है, फ्रंट में 180 के टायर आते हैं, रियर में 130-70 के टायर आपको बाइक में देखने को मिल जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों स्पेसिफिकेशन तो काफी अच्छी मिल रही है। इस बाइक में दोस्तों फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, जिसमें सभी फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर, सारे फीचर्स आपको बाइक में मिलते हैं। और इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी तो मोबाइल कनेक्टिविटी भी आपको इस बाइक में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बाइक में डायमंड टाइप चेसी यूज की गई है, फ्रंट में आप लोगों को बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी तो 99% चांसेस है कि बाइक में आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा, बाइक में USD फॉक्स यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन इस बाइक में होने वाले हैं। गाइस बहुत दिनों से हम वेट कर रहे हैं कि भाई अब लॉन्च होगी, लेकिन हाल फिलहाल देखा जाए तो अभी तक इंडियन मार्केट में इस बाइक को लॉन्च नहीं किया गया। देखिए दोस्तों इसके पीछे होंडा का कोई रीज़न भी हो सकता है। अब रीज़न आप क्या ही कहोगे, हमारे यहाँ तो भाई एक ही चीज़ लॉन्च हो रही है और होंडा की एक्टिवा, कोई बेहतरीन कोई अच्छी बाइक तो यहाँ पे अभी तक फिलहाल लॉन्च नहीं किया जा रहा, जो कि वेट किया जा रहा है कि कोई अच्छी 150cc बाइक हो जाए, कोई अच्छी 150, 200cc, 250cc फेयरिंग बाइक हो जाए,
कुछ भी इंडियन मार्केट में होंडा की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया। यहाँ पे भाई हैनेस लाया गया जो कि मेरे हिसाब से किसी को पसंद नहीं आई, हॉर्नेट 2.0 लाया गया जो कि मेरे हिसाब से किसी को पसंद नहीं आई। अब पता नहीं भाई कब लाएगा होंडा CBR 150R या 250RR, कब आएगी इंडियन मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों मुझे उम्मीद है कि CBR 150R आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो लॉन्च डेट निकल कर आ रही 2022 के दोस्तों मई, यानी कि मई महीने तक बाइक को इंडियन मार्केट में उतारा जा सकता है। बाइक का जो एक्सरूम प्राइस रहेगा वो लगभग दोस्तों 1,60,000 रुपीज़ के आसपास का देखने को मिल सकता है। अगर ये न्यूज़ भाई सच में सही हो गए ना तो मज़ा ही आया जाएगा, क्योंकि भाई CBR वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स में से एक है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप लोग इस बाइक का वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अपने बाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रह सके, आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।